Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The great viewers, good morning, good evening, good night. Welcome to program Live with YJ Kamiana. Aapka mezban hasbe mamool hazir khidmat hai. Pakistan mein subah ke is waqt taqreeban 11 bajne wale hain aur hum aapko aaj jo halaat-e-hazra hai us pe badi koi usko flare up karne ke liye nahi usko cool down karne ke liye hum aapke saath ye share karenge lekin ye करंट अफेयर्स के ऊपर बात करने से पहले ये हालिया जो हादसात हुए हालिया जो पुरतशद्दद वाकयात हुए जो मुल्क को एक अनार्की की तरफ ले गए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द काबू पा लिया गया तो इस प्रोग्राम पे उस पे आपको काफी चीजें शेयर करवाने से पहले आपकी एक शेर सुनिए कि वो आए हैं पशेमा लाश पे अब वो आए हैं पशेमा लाश पे अब तुझे यह जिंदगी लाऊं कहां से पूरी दुनिया में हादसात होते हैं एजिटेशंस होते हैं प्रोटेस्ट होते हैं लेकिन आपने देखा कि पूरी दुनिया में जहां हादसात और पुरतशद्दद वाकयात ने आसमान को छूना शुरू किया वो रियासतें रशिया की तरह टूट गईं वो आयरलैंड हो या ईस्ट जर्मन वेस्ट जर्मन हो शुमाली कोरिया हो जनूबी कोरिया हो अमेरिका की कुछ रियासतें हो जहां ये आग का शोला फिर सुनामी में बदलता है और आग भड़क के फिर आसमान को छूती है जंगलात को जला देती है बस्तियों को जला देती है वहां कुछ नहीं बचता लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर रब्बे कायनात का करम है और दो जहानों के सरदार की दुआओं के तफैल ये रियासत मदीना और रियासत पाकिस्तान बनी लिहाजा इसके मुहाफिज भी मालिक कायनात और सरदारुल अंबिया हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बुरी तरह दुश्मन ने हमें पीछे से छुरा घोंपा और दुश्मन को बाहर से नहीं था हमारे अपने थे हम दुकानदारियां चमकाते हैं हम सियासत चमकाते हैं लेकिन प्रोग्राम के आगाज में ही मैं ये इस हालिया पोजिशन को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इस वक्त जो मुल्क के हालात हो गए आग लग रही थी इंसानों को जलाया जा रहा था सब कुछ भस्म हो रहा था और ये जो आशकाने रसूल है आशकाने रसूल के अंदर आशकाने फतूर और आशकाने नासूर जो थे उन्होंने मुल्क का बहुत बुरा हाल किया हम आशकाने रसूल से तो पहले भी हाथ जोड़ के कह चुके हैं कि ये कौन सा इश्क है ये कौन सी मोहब्बत है ये कौन सी अकीदत है जिसमें रियासत मदीना के बाद दूसरी रियासत जो मार्ज वजूद में आई उसको बिल्कुल भस्म कर दिया जाए उसमें इंसानों को जला दिया जाए उसमें इमलाक को जला दिया जाए उसमें इंडस्ट्री बंद कर दी जाए उसमें यूनिवर्सिटियां बंद कर दी जाए उसमें ऑक्सीजन पहले ही हमारा मुल्क जो है खित्ते अर्ज पाकिस्तान जो है वो बड़ी मुश्किल हालात से दो चार है हुक्मरान आ गए लाए गए या आगे हम उस पर भी पहले बात कर चुके हैं कि अब सब ने मिलकर कहा है उन्हें कि आप काम करें लेकिन उनके अंदर भी कोई ऐसे ऐसे फितने हैं जो इस मुल्क को आगे नहीं चलने दे रहे कप्तान साहब से गुजारिश की थी कि कप्तान साहब आप अब वजीर आजम पाकिस्तान बन गए हैं मालिक कायनात ने आपके ऊपर ये सिरा सजा दिया है आपके ऊपर ये पगड़ी रख दी है जो कुछ भी हो दुनिया जो मर्जी का है आप इस वक्त 21 करोड़ आवाम के वजीर आजम हैं इस पे अब अगर किसी में हिम्मत है तो असेंबलियों के जरिए अपनी पंजाजमाई कर ले लेकिन ऐसे हालात पैदा करने से पहले मुल्क की अंदरूनी जो हालत है उसको मद्देनजर जरूर रखा जाए और मेरी ख्वाहिश है सभी ख्वाहिश है कि आप चलें आप दौड़ें आप मुल्क को बिल्कुल ट्रैक पे डालें आप चोरों को पकड़ें आप डाकुओं को पकड़ें आप लोगों को जेल में करें लेकिन किनको करें जो आपके दाएं बाएं भी हैं जो कुछ भी आए जो सामने आए उसको एहतसाब के शिकंजे में लाया जाए लेकिन एहतसाब करने वालों का एहतसाब कौन करेगा एंटी करप्शन बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है उसको उसमें जो लोग करप्शन करते हैं उनको कौन पकड़ेगा कप्तान साहब बहुत अच्छी नीयत है आपकी होगी सब हम ट्रस्ट करते हैं लेकिन
आप भी नजरिया जरूरत से बाहर निकले, आप दाएं बाएं इर्द गिर्द जो उछल उछल के आपके सिरे गा रहे हैं, इनका माजी देखिए कि ये कल किस जंज के आगे आगे साडा वीर कोड़ी चढ़िया कह रहे थे। मेहरबानी फरमा के, लंबी तकरीर नहीं, लंबी चौड़ी बात नहीं, आपने जो फैसला किया, चाइना में आप गए हुए थे, आपने वहां से क्या मांगा, क्या उन दोस्तों ने दिया, कोई हर्ज नहीं। अपने दोस्तों के पास ही जाते हैं, दुश्मनों के पास तो कोई नहीं जाता, दुश्मनों के साथ भी सुलह करने के लिए जाते हैं, लेकिन ये जो आशिक फतूर हैं इनके साथ तो सुलह की बात नहीं होनी चाहिए, इनका मक्कू ठपना चाहिए। आशिकान रसूल जो है वो इस तरह नहीं कर सकते जिस तरह इस दवा हमारे मुल्क के साथ ये दो ढाई दिनों में करके रख दिया है। मैं आपको एक और बात, ग्रेट व्यूअर्स, एक बात और आपको शेयर करवाता हूं। अक्सर कहता हूं और उसको मैं दोहराता रहता हूं, अपनी बेहतरी के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने हुक्मरानों को याद दहानी के लिए, क्योंकि कप्तान साहब भी लंदन जाते रहते हैं, अमेरिका जाते रहते हैं, दुनिया में जाते रहते हैं, हमारे लीडरान तो जाते भी, इलाज के लिए भी वहीं जाते हैं। तो याद होगा क्योंकि 4-5 साल पहले वहां बर्मिंगम से स्टार्ट हुए थे, बहुत बड़े राइट्स शुरू हो गए थे, मुसलमान बच्चों को मारा गया, बर्मिंगम की मस्जिद में दो नौजवानों ने मस्जिद को बचाते बचाते शहादत कबूल कर ली, सलाम उनके वालदैन को। मेरी कोशिश थी मैं वहां गया, लेकिन इत्तफाक से उनके वालदैन बहुत बड़े ड्रामे में थे तो मेरी मुलाकात ना हो सकी। लेकिन उससे पहले ग्रेट व्यूअर्स, मैं अपने बेटे उमर साहब के साथ, उमर जावेद साहब जिन्होंने मेरे मालिक कायनात का करम है कि इसी मुल्क में, इसी मुल्क के एक दरमियाने से तबके के वालिद का बेटा होते, वहां से आईटी में ब्रूनो यूनिवर्सिटी लंदन से गोल्ड मेडल लिया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह माइक्रोसॉफ्ट में सीनियर डायनेमिक कंसल्टेंट हैं। अल्लाह उसको भी सलामत रखे, अल्लाह मुल्क को भी सलामत रखे, और इस तरह के और कई उमर जो हैं वो मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं और उमर उनके बच्चों के साथ हम इल्फर्ड टाउन सेंटर में घूम रहे थे तो वहां बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, जिस तरह हमारे स्टेडियम में मैच दिखाने के लिए लगाई जाती हैं, चौकों चौरस्तों में लगाई जाती हैं। तो मैंने अपने बेटे पूछा, उमर बेटा ये क्या दिखाया जा रहा है? तो उन्होंने कहा, डैडी ये वो लोगों के चेहरे महबूस दिखाए जा रहे हैं, ये उन बदबख्तों के चेहरे ये बरतानिया की गवर्नमेंट टेलीविजन की बड़ी बड़ी स्क्रीन पर दिखा रही है, जिन्होंने राइट्स में स्टोर्स लूटे, जिन्होंने तबाही मचाई, जिन्होंने मुल्क का बहुत बुरा हाल किया, जिन्होंने स्टैबिंग की, जिन्होंने बहुत लूटमार की, उधम मचा दिया और बड़ा नुकसान किया। लेकिन उसके बाद वहां बरतानिया की जो अदालतें थी वो 24 आवर्स वो बैठ गई, बड़े बड़े टेलीविजन स्क्रीन जो थी वो बड़ी बड़ी स्क्रीन नस्ब कर दी गई चौकों चौराहों पे, और बार बार ऐलान होता रहा कि इनमें से पहचानिए, इन आप हमारी हेल्प कीजिए। लेकिन उस गवर्नमेंट ने खुद भी, उनकी एजेंसियां तेज हैं, वो इमरान कत्ल केस में एजेंसियों को भी पता नहीं क्या हो गया, स्कॉटलैंड यार्ड को क्या हो गया, अल्ताफ हुसैन की मनी लॉन्ड्रिंग में भी वो जो उनके बड़े बड़े शिमला बरदार एजेंसियां थी, ना जाने उनको क्या हो गया। लेकिन क्रेडिट गोज टू बरतानिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या किया, अदरिया 24 आवर्स अलर्ट हो गई, और फिर मैं कमाल बात है, वहां की नॉन कलमागो माए, गोरी माए, काली माए, पीली माए, नीली माए और शमूल मुसलमान कम्युनिटी के, उन्होंने अपने मुलजम जो औलाद थी, जिन्होंने ये सारे हंगामे किए थे, जिन्होंने लूटमार की थी, उनको खुद पकड़ के कानून के हवाले कर दिया। कानून ने तो जो किया ही किया, लेकिन यहां बहुत अच्छा किया, वजीर आजम कप्तान साहब ने चाइना से कहा कि इनका बंदोबस्त करो, इनको उड़ा के रख दो, इनको उल्टा लटका के रख दो, इनकी चमड़ियां उधेड़ दो, कौम आपके साथ है। लेकिन कप्तान साहब क्या बताएं, अब क्या पछताए, जब खलियान सारा जल गया, जब चिड़ियां चुग गई खेत तो बड़ा भावना ही छोटा रह गया, सब कुछ लुट रहा था, तमाम तबाही हो रही थी, गुंडागर्दी का बाजार गर्म नहीं, गुंडागर्दी का तूफान था, तूफान बदतमीजी था, मासूम बच्चे भिलक रहे थे, गाड़ियां टूट रही थी, फैमिलियां लुट रही थी, और हम सब खामोश थे, हम क्या मजबूर थे, चौकों चौरस्तों पे जंग लड़ी जा रही थी, मैदान मैशर था, मैदान जंग थी, लोग आहो बका कर रहे थे, और कप्तान साहब आपके हुकूमत के जो वजीर हैं, जो सारा दिन बड़के मारते हैं, सारा दिन वो कभी ललकारते हैं, कभी फुंकारते हैं, कभी चिंघाड़ते हैं, उनसे सिर्फ इतना पूछ लें, क्या आप उनका ये 100 दिन के अंदर पहले, सबसे पहले
अपनी हुकूमत का एहतसाब करेंगे कि बाकी घर भी बनाते रहिए, 50 लाख घर नहीं, आप करोड़ घर बनाइए, सबको घर की जरूरत है, आप 10 करोड़ नौकरियां दीजिए, हर एक का बच्चा नौकरी चाहता है, आप सेहत का इंतजाम कर दीजिए, तालीम का इंतजाम कर दीजिए, सिस्टम कर दीजिए, हेलमेट पहना दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, लेकिन इनका तो कुछ बंदोबस्त करें जिन्होंने आपकी 2-3 दिन 4 दिन की गैर मौजूदगी में इस तूफान बदतमीजी को बिल्कुल आंखें बंद कर ली, जुल्म की इंतहा हो गई। आज हम दोहराते नहीं, लेकिन चलिए ये जो धरना देने वाले हैं इनका धर्म तख्ता तो होना चाहिए। कप्तान साहब आप वापस तशरीफ लाए हैं, इनसे पूछिए कि जो पीछे आपका, आप अगर बाहर जाएं, जब आप खेलने जाते थे, जब आप मैच खेलने जाते थे, तो पीछे आपके घर की जो हिफाजत थी वो अल्लाह के बाद आपकी वालदा मोहतरमा करती थी, आपके वालिद करते थे, आपके दूसरे बहन भाई करते थे, या बस चोरों और डाकुओं के हवाले घर कर दिए जाते थे? ऐसा नहीं होता। क्या वजीर इत्तलात का सिर्फ इतना काम है कि वो बयान भी ऐसे दें जैसे एक खलंडरा लड़का देता है, जैसे कोई पंजाबी फिल्म का विलन देता है? और बड़ा ही अफसोस है, बार बार कह चुका हूं, कल खुर्शीद शाह साहब ने भी कह दिया कि वजीर इत्तलात की बात का क्या बुरा बनाना, लेकिन दिल तो कुड़ता है कि 21 करोड़ मुल्क का वजीर इत्तलात बात करते वक्त ये भी ना देखे वो किन को मुखातिब कर रहा है, किसको मुखातिब कर रहा है, कल उन्होंने क्या फरमाया वजीर इत्तलात पाकिस्तान की रियासत मदीना की कॉपी के वजीर इत्तलात क्या फरमा रहे हैं, इनके चचा यहां के गवर्नर है और पीपुल्स पार्टी ने उनको गवर्नर बनाया था, ये खुद पीपुल्स पार्टी में रहे, ये खुद मुशर्रफ के साथ रहे, अब आपके साथ हैं, चलिए अब इस मुल्क के वजीर इत्तलात हैं, बात करते वक्त तो एहतियात करें, ध्यान से बात करें। कल एस्ट्रोनॉट्स की बात हो रही थी तो ये बात करते हुए गैर मुनासिब थी कि हमारे कुछ सियासतदानों को, कुछ फलां को, उनको वहां छोड़ा है और वापस आ जाया जाए, ये बात गैर मुनासिब है। आप भी शामिल हैं, धरना तो आप लोगों ने भी दिया, आप पीपल्स पार्टी में भी रहे, किस किस को आप वहां जाके मरीख पे छोड़ के आ जाएंगे, चांद पे छोड़ के आ जाएंगे, खला में छोड़ के आ जाएंगे? मेरे ख्याल में तो सबसे पहले आपको छोड़ देना चाहिए वहां, बड़ी अफसोस है, आपको मैच्योर हो जाना चाहिए। कब होंगे कप्तान साहब, सेंश्योर कीजिए। छोटी सी बात, जब इन कैमरा मीटिंग थी बहुत हाई प्रोफाइल मियां नवाज शरीफ साहब के होते हुए, तो एक जो अंदर की बात टॉप लेवल की थी, जो सीक्रेसी थी, वो बाहर आई, वो एक डॉन के रिपोर्टर ने छापी, सैरल ने, और उसके बाद वजीर इत्तलात जो थे परवेज रशीद को जबरन इस्तीफा मांग लिया गया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, जिसने कहा जो भी कहे उनकी हुकूमत थी, वो ढीट बन सकते थे, सारा कुछ हो सकता था, लेकिन उन्होंने उनसे रिजाइन ले लिया। क्या वजह थी? कि वो अमीन थे। कैसे चल गई वो खबर, कैसे हो गया, एक अंदर की बात, अंदर से जिसने भी दी वो नेशनल हुक पे कैसे चल गई? नेशनल हुक पे नहीं चली तो वो जो कौमी एक अखबार था, पाकिस्तान का अखबार था, बड़ा मारूफ अखबार था, उसके रिपोर्टर ने और उनके एडिटर्स ने भी कुछ परवाह नहीं किया, जो बैरियर होते हैं, जो चेक्स होते हैं, वो न्यूज उससे कैसे निकल गई? उस खबर को, वो खबर नहीं है, वो शर होता है, जो मुल्क के खिलाफ जाए वो शर है। तो उससे उसका नतीजा क्या निकला? हुकूमत बेइज्जत हुई, मियां नवाज शरीफ साहब की साहबजादी को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई, तमाम जितना भी अपोजिशन ने हंगामा किया जिसमें आपकी हुकूमत शामिल थी, अपोजिशन शामिल थी, टॉप की एजेंसियों ने कहा कि ये गलत है और कौम ने भी कहा यह गलत है और आज तक उनकी जान नहीं छूट रही। तो जनाब कप्तान साहब आपसे भी गुजारिश है कि क्या ये जो आप वहां बहुत बड़े फोरम पे चाइना में गए हैं और वहां आप अपने मुल्क के लिए बात कर रहे हैं, आपने क्या बात की? तो लंबी बात हो जाएगी, आपने वहां क्या कहा? हम तो फिर आपसे कहेंगे कि जब आप अपने बच्चे की, अपने बहन भाइयों की, अपने किसी अजीज व अकारब की भी बुराई बात जाने की नहीं करते, लेकिन अपने पाकिस्तान के हालात को जरा और बेहतर तरीके से करते तो और हमारी इज्जत होती। वहां जाके कहने की कोई जरूरत नहीं कि हमारे यहां ये है वो है, हाँ हमें कह देना चाहिए कि हमें सपोर्ट करें, हमें हमारे इस वक्त जो IMF के जाने के हालात हैं उनसे हमें बचाएं, हमारे दोस्तों का फर्ज होता है बुरे वक्त में, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, तो ये कहना चाहिए था, चलिए वो भी हो गया। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अगर
इन कैमरा एक बात हो रही है और हाई प्रोफाइल मीटिंग की बात बाहर आती है और अपने ही मुल्क का रिपोर्टर सहल अलमादा जो भी उसका नाम है बदबख्त का कि उसने एक खबर उसको ख्याल नहीं कि ये मुल्क की बका का मामला है। आपस की लड़ाई तो बाद की बात है, कैसे निकली, कब निकली, क्यों निकली, वो तो बाद की बात है, लेकिन उसको भी ख्याल होना चाहिए था, उनके मालकान को ख्याल होना चाहिए था। हुआ वो फिर उस पर उस वक्त की नून गवर्नमेंट ने एक्शन किया और वजीर इत्तलात और तारिक फातमी साहब को रेप्रीमांड किया। आइए हम आपकी तरफ चलते हैं। आप जो हमारा पाकिस्तान टेलीविजन है, नेशनल टेलीविजन है, नेशनल टेलीविजन जो है वो पूरे मुल्क का अमीन है। आपने देखा कितनी अफसोसनाक बात है, ये जानबूझ के हुआ या जानबूझ के हुआ या गलती से हुआ, इससे हमें गरज नहीं है। क्या लाखों रुपए की तनख्वाहें इसलिए दी जाती हैं कि वहां बैठ के मुल्क का वजीर आजम जाए बीजिंग और उसको जो अल्फाज लिख दिए गए उस पर मुझे दोहराते हुए शर्म आ रही है। ये आग किसी दुश्मन ने लगाई है, ये हवाई नहीं, ये चिंगारी किसी दुश्मन ने सुनगाई है। और दुश्मन अब कौन है? नून चली गई। कप्तान साहब अपने वजीरों को कहें कि नून इस वक्त ऑपोजिशन में है, जरदारी साहब ऑपोजिशन में है, मौलाना फजल रहमान साहब के जो चंद वोट हैं, चंद मेंबर्स हैं वो ऑपोजिशन में है, एएनपी के ऑपोजिशन में है, आप हुकूमत में हैं, अब ये जो लकीर है पीटना बंद करें मेहरबानी फरमा के, वो कर गए, ये कर गए, वो कर गए, ये कर गए, तो फिर ये भी कहिए कि हुकूमत भी वो आपको वही दे गए, वही अगर आपने उनके नक्शे कदम पे चलना है तो फायदा क्या हुआ? कप्तान साहब आपने इस पे मेरी तरफ से तो ये आपको तजवीज नहीं, ये बिल्कुल सोने पे लोहे पे पत्थर पे लकीर है और लोहे की तरह आयरन की तरह ये बात बिल्कुल आपको ये सूट करती है कि आप 100 दिन में जब आप ये अपना बैलेंस शीट बनाएं तो सबसे पहले आपका अपने वुजरा के खिलाफ जिन्होंने आपके पीछे भंबोर लुटता रहा, लोग लुटते रहे, लोग पिटते रहे, आग लगती रही और ये धरनवी जो हैं ये बदमाशी और गुंडागर्दी करते रहे। मैंने तो इनका नाम आशकान फतूर कह दिया है, ये आशकान रसूल और हैं। आशकान रसूल तो सर झुका के वो दुश्मन के आगे भी सर झुकाते हैं, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फॉलोअर इस तरह नहीं करते। लिहाजा ये जिन इसमें से जो एक गंदा जरसीमों का आशकान फतूर का टोला है उन्होंने सबक सिखा दो, कौम आपके साथ है। जब आपने मुआहदा किया तो मुआहदे में होना चाहिए था, यानी एक पूरा कह रहा है जो ग्रुप है वो कह रहा है कि जजेस वाजिबुल कत्ल हैं, चीफ जस्टिस का वाजिबुल कत्ल है, फलां वाजिबुल कत्ल हैं, हुकूमत फलां है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये कहा जा रहा है। आप उनसे मुआहदा कर रहे हैं, कर लीजिए, चलिए कोई बात नहीं। लोग हाईजैकर से भी बात करते हैं और टेररिस्ट से भी बात होती है, लेकिन अगर इनसे बात हुई तो क्या इतनी बात इनसे नहीं कहेगी कि ये खुद ऐलान करें कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आशिक होने के नाते आपको ये अख्तियार देते हैं, आपको ये दरखास्त करते हैं हुकूमत को कि जिन जिन ने नुकसान किया है वो हमारे नहीं, वो हरामी हैं और उनको उल्टा नहीं उसी जगह पे जहां उन्होंने मुल्क की तबाही मचाई है। मैंने तो कल कहा है, हमने कहा है, बबांगे दुल कहा है कि कोई ट्रायल की जरूरत नहीं है, कोई अदालतों में जाने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, उनके वकील आ जाएंगे, वकील को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे उसकी अपनी कार टूट गई है, चाहे उसके बच्चे को जख्मी कर दिया गया है, चाहे उसके बूढ़े बाप को सड़क में मारा गया है, उसने मुकदमा लेना ही लेना है। चलिए जी, वो लिहाजा उसका सीधा हल आप बरतानवी गवर्नमेंट की तरह उनकी अदलिया बैठ गई 24 घंटे में फैसले और आज तक वो जेलों में गल सड़ रहे हैं। लिहाजा आप मोटरवे के ऊपर अदालतें लगा दीजिए, मिलिट्री कोर्ट्स लगा दीजिए और वहां से उठाते जाएं और तमाम, बल्कि कप्तान साहब मैं एक और सजेशन दूंगा, हुकूमत चूंकि आपकी है, वजूरा को तो फायदा कुछ नहीं क्योंकि उन्होंने जो किया है वो आपके सामने है। और बात हो रही थी सिरिल अलमैदा वाली, तो उसमें तो आप जब आप 100 दिन का हिसाब करें तो वजीर इत्तलात का रिमूवल बनती है। इतनी बड़ी न्यूज जिसने बदनामी दुनिया में करवा दी
कि वो बीजिंग को बैगिंग लिख रहा है, तो उसका सरबा जो है उसको सजा बनती है, और आप नहीं देंगे तो कल कोई और तमाशा लगेगा। लिहाजा अगर परवेज रशीद जा सकता है, मुशादुल्ला खान सिर्फ एक छोटी सी बात पे निकाल दिए जा सकते हैं, इस्तीफा लिया जा सकता है, और सिर्फ एक जज्बाती तकरीर करने में हाशमी जो है कराची के सेनेटर जो हैं निहाल हाशमी साहब को रुस्वा करके बेइज्जत करके सजा दे के अदालत पर भेज सकती है। तो जो कह रहे हैं कि इनको वाजिबुल कतल है जजेस, उनके लिए कुछ नहीं। तो जी कप्तान साहब बात हो रही थी कि जिन्होंने इतने इतने बड़े खौफनाक अल्फाज कह दिए अदलिया की, टॉप अदलिया की मशीनरी के बारे में, आर्मी के चीफ के बारे में, तो ये बात क्या हुई कि अदालत में, छोटी सी अदालत में अगर मोबाइल बच जाए तो मोबाइल छीन लिया, ले लिया जाता है, सजा दे दी जाती है, दीवार की तरफ मुंह लगा के ता हुक्म अदालत या ता बर्खास्त अदालत सजा दी जाती है। तो कप्तान साहब, चीफ जस्टिस साहब को तो अब अल्लाह उनको सेहत दे, वो पहले ही मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा सोयमोटो का प्रेशर इतना हो गया, बहुत ज्यादा उन्होंने मुल्क में जो तबीयत साफ करने का मिशन जारी किया उसमें उनकी अपनी तबीयत खराब हो गई, लिहाजा वो भी माय लॉर्ड भी कोई अल्लाह तौबा करें किसी गरीब की आह तो नहीं लग गई, कोई नाजायज बात तो नहीं उनके मुंह से निकल गई, कोई तकबर वाली बात तो नहीं निकल गई, काम उनके ठीक है, लेकिन उनके अपने यहां अदलिया में बहुत बड़ा जो काम होने वाला है, एहतसाब होने वाला है, उसकी तरफ भी ध्यान दें। आखिरी उनके रुख्सती के महीने आ गए, लिहाजा उनको आराम की भी जरूरत है, लेकिन उनको अपने जो अदालती निजाम है उसमें जाते जाते कुछ कर जाए तो शायद कोई कफारा हो जाए, वरना उन्होंने अपनी छतरी के बाहर तो खासे एक्शन लिए, खुदा करे वो जाते जाते कोई अदलिया के अंदर भी जो काली भेड़े हैं, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो 30-30 साल से मुकदमे का फैसला नहीं होने दे रहे, उसका भी गला कमा करें, उसका भी कोई एहतसाब कर जाए, अल्लाह उनको जजा दे और अल्लाह उनको सेहत दे। लिहाजा हम तो फिर भी स्टैंड ले रहे हैं कि जिन्होंने उनके बारे में कहा है कि सख्त अल्फाज कहें, गुंडागर्दी वाले अल्फाज कहें, हम उसको कंडेम करते हैं, और जिन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में कहा है उनको भी फुल फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट कंडेम करते हैं, क्योंकि वो आशिकाने रसूल नहीं है, उनमें से आशिकाने फतूर हैं। लिहाजा कप्तान साहब अपनी हकूमत को ये टास्क दे दीजिए कि तमाम जो डीपीओज हैं, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स हैं, तमाम कमिश्नर्स हैं, तमाम टॉप की अदलिया जो टॉप की जो इंतजामिया है, वो बड़ी बड़ी एलसीडीज लगाएं, स्क्रीनें लगाएं, जिस तरह स्टेडियम में लगती हैं, जिस तरह मैच देखने के लिए कौम आती है, इस तरह चौकों चौराहों पे बरतानी की तरह वो एलसीडीज लगाएं, बड़े बड़े टेलीविजन स्क्रीनें लगाएं, और उस पर फिर आप हकूमती लेवल पे जो आपको फीडबैक मिला है, लोगों ने दिया है, जो आपको फुटेज भेजी है, आपके अपने कैमरों ने तो जो किया, अगर वो उस वक्त वो देख रहे होते, आंखें बंद ना की होती, तो मोटरवे पे, तो अगर मैं मेरे बस में होता तो मोटरवे पे एक दफा F-16 का साउंड बैरियर खुलना था और नीचे सब इन्हें इश्क विश्क सब निकल जाने सर, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ हो सकता था। हेलीकॉप्टर से इनको, ये जो बदमाश थे, ये आशिकाने फतूर जो थे, इनको उठाया जा सकता था हेलीकॉप्टरों से मोटरवे पे, अगर F-16 लैंड कर सकता है तो हेलीकॉप्टर से इनको वहां से पिक किया जा सकता था, ऊपर से आप एक्शन हो सकते थे, चौकों पे हो सकते थे, कुछ नहीं, बहुत नुकसान हो गया। कप्तान साहब इतना आपको मिला नहीं होगा जितना इस मुल्क का इन बदमाशों ने, इन गुंडों ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे, सरदारुल अंबिया के नाम पे इन्होंने मुल्क की तबाही मचा दी। लिहाजा जे तुसी इन्होंने कप्तान साहब छड़िया तो तुसी भी रुख्सत हो जाओगे, लेकिन तारीख में एक सा बाब लिखा जाएगा कि लोग मरते रहे, बच्चे बिलखते रहे और वो आसमान की तरफ देखते रहे कि कोई मसीहा आए, तो मसीहा तो चाइना में बैठा हुआ था, अब मुल्क की बेहतरी के लिए आप उनसे मदद मांग रहे थे। लिहाजा मैं यही गुजारिश करूंगा कि अब आपने अगर बेड़ा उठाया है एक्शन का, तो फिर लग पता जाए, काम तो आपने भी वही किए हैं, लेकिन चलिए अब आपको पता चला कि हकूमत करना और ऑपोजिशन करना कोई खालाजी का बड़ा नहीं, ऑपोजिशन तो मौजा नहीं, हकूमत करने का फिर चल सो चल लग पता जाता है। तो कप्तान साहब
एक तो मेहरबानी फरमा के फिर दरखास्त है आपके जो स्टेट मिनिस्टर हैं, स्टेट इंटीरियर मिनिस्टर हैं अफरीदी साहब, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, उन्होंने नंबर शंबर भी दे दिए हैं और अच्छा है, इज अ गुड, टेक सीरियस एक्शन और आगे से आप भी सबक सीखें, क्योंकि कल किसने देखा है, हुकूमत आज है, हुकूमत हुक्मरानी तो सिर्फ माल के कानात की रहनी है, बाकी तो सब माया है, बाकी तो फिर आए और चले गए, आपने भी देखा, हमने भी देखा, बड़े बड़े फने खां चले गए, किसी का दांत जाके जहाज में सिर्फ 730 में से सिर्फ दांत ही बचा, कोई दुबई के किसी अस्पताल में अपनी सेहत की भीख मांग रहा है अल्लाह से, जो कहते थे कि हम पीछे से ऐसी जगह से फायर करेंगे कि पता भी नहीं चलेगा, एक बूढ़े बकरी को मार दिया, लेकिन तारीख आपके सामने है, आपके सामने हिटलर कहां चला गया, खुदकशी करती, अफगानिस्तान ले लें, दुनिया के तमाम बादशाहों को ले लें, शहनशाह ईरान, सबसे बड़ा लेसन है हम सबके लिए और आपके लिए भी, लिहाजा काम कीजिए, वर्क हार्ड, लेकिन अपने से ज्यादा इन वज़रा को कहिए कि दे मस्ट होल्ड देयर टंग्स, बड़े सोफिस्टिकेटेड हो जाएं, जो पानी बहने वाले हैं, खूबसूरत झरने बहते हैं, उनकी आवाजें खूबसूरत होती हैं, मैं कल ही पढ़ रहा था, बड़ी खूबसूरत सेइंग भेजी थी, बड़ी अच्छी, कि आवाज नीची रखिए, ऊंची आवाज तो गधे की होती है, और ये सुख रफ्तार वो आवाज रखिए, चाल बेहतर रखें, हम अपना किरदार बेहतर रखें, और ये इदारों के सरबरा जो लगाए जा रहे हैं उसमें मैं एक और गुजारिश करूंगा कि PIA का हाल खस्ता था, एयर मार्शल साहब लगा दिए गए हैं और उनको आप उनको फुल सपोर्ट कीजिए, वहां के जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनका बुरा हाल है, यानी एक अदलिया में, दूसरे इदारों में, फौज में, अदलिया में, हत्ता कि टीचर की पेंशन भी कुछ 40-50-60 हजार रुपए है, इरीगेशन में, पावर सेक्टर में, तमाम पाकिस्तान के तमाम महकमों में सबसे ज्यादा जो पेंशन बिल्कुल 0/0 माइनस है वो PIA के अमले का है, 4-5 हजार, 3-4 हजार, 5-7 हजार रुपए पेंशन, आप खुद अंदाजा लगा लें कि क्या बनेगा, क्या बनता है, मेहरबानी फरमा के थोड़ा सा ध्यान दें, और वो जो हिल्डन ब्रांड बदमाश जो विक्ट जो बाहर भाग गया, बहुत नुकसान करके चला गया, आप मुशर्रफ साहब को तो क्या बुलाएंगे, सरदार साहब को बुलाने के लिए आप रोज जोर लगा रहे हैं, और हकानी को अमेरिका से बुलाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और अल्ताफ हुसैन इनको भी बुलाइए, लेकिन जो नुकसान करके हिल्डन ब्रांड गया है, शौकत अजीज गया है, इनको बुलाइए, इनको लेके आइए, इनके यहां असासे होंगे, इनकी यहां जड़े होंगी, इनका फुल बंदोबस्त करेंगे ताकि आने वाली नस्लों को सबक हासिल हो और पता चले कि कप्तान ने कोई छिक्का लगाया, कोई चौका लगाया, 126 दिन का धरना, अगर 2 दिन के धरने जी तुम उन्होंने कोल चले गए खान साहब, जब कमाल होगी, मर्जा आ जाता, इनको तबीयत साफ हो जाती, लग पता जाता जो आशकान रसूल थे वो इस तरह नहीं करते, वो तबाही नहीं करते, वो बदमाशी नहीं करते, वो नाचा गाने नहीं करते, आशकान रसूल में तो बलाल हबशी हैं, आशकान रसूल तो हजरत अली करमला वजह है, आशकान रसूल तो हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हो है, आशकान रसूल में तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो है, आशकान रसूल में तो फिर कमाल है, वहां रियासत मदीना में तो परिंदे भी हरम के ऊपर से अदब से गुजरते हैं, कभी देखा, ये पूछता हूं मैं खादम रिजवी साहब, बताइए दूसरे आपके साथ ही सारे बताएं, तमाम उलवा बताएं, हरम के ऊपर तो परिंदे भी अदब से गुजरते हैं, रियासत मदीना में तो वहां लिखा हुआ है, जहां से आप एहराम का एरिया शुरू हो जाता है वहां से लिखा है शिकार करना मना है, आपने इंसान शिकार कर दिए, आपने मुल्क की इमलाक शिकार कर दी, तबाह कर दी, आग लगा दी, जाइए, आपको मैं ऐसे आशिकों को नहीं मानता, हम ऐसे आशिकों को नहीं मानते, हम खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कौम, ये बच्चे मासूम जिनको आपने मारा है, ये छोटे छोटे बच्चे मस्जिदों में जाके टोपियां रख के जुमा पढ़ रहे होते हैं, ये छोटी छोटी बच्चियां बाप लेके आ रहा होता है, उनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल का घर दिखाया जा रहा होता है, आपने जो हशर किया तो सुन ले, आपका बहुत बुरा हाल होगा इंशाअल्लाह अजीज, ये जिनके घर चले हैं, जिनके बसें चली हैं, जिनकी मोटरसाइकिलें चली हैं, जिनकी इमलाक चली हैं, और रियासत मदीना के बाद रियासत पाकिस्तान भी
27 सब कुर्बानी थी, इसको जो आपने नुकसान पहुंचाया आपको, आपका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, बहुत बुरा हश्र होगा इंशाल्लाह। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से दरखास्त करूंगा, फौज से दरखास्त करूंगा कि मिट जाए की मखलूक, तो इंसाफ करोगे। कल एक क्लिप दिखाया जा रहा था जलसा, जनाबे काबिल साद एहतराम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भाजपा साहब, डीजी आईएसआई, ऑनरेबल डीजी आईएसआई, ऑनरेबल डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस, ऑल रिस्पेक्टेबल एजेंसीज, जरा इसका तो पता करें। कल एक फुटेज दिखाई गई है जिसमें एक सफेद रंग की जो बड़ी रौसा वाली गाड़ी में गायक, उसमें हमारे बच्चा कर्नल साहब थे, वो जब ब्लॉक कर दिया, उनका रास्ता ब्लॉक किया, आगे बाड़ लगा दी गई और गुंडे बदमाश मारपीट कर रहे थे, बुरा हाल कर रहे थे, तो एक वायरलेस चली, कोई 10 के करीब आर्मी के गाड़ियां आई और कर्नल साहब को निकाल के चली गई। कर्नल साहब भी तो उन बच्चों की तरह थे, वहां कुछ ना करते, वो गाड़ियां वहां चंद मिनट खड़ी रहती तो वहां बहुत बड़े नुकसान से हम बच सकते थे। इंतहाई अफसोस है, वो आए हूटर बजते हुए आए, कर्नल साहब की गाड़ी एक लम्हे की रुकी, इस कौम का कर्नल, इस कौम का बच्चा, अल्लाह ने उसको हिफाजत में रखा, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर वहीं कर्नल साहब बाहर खड़े होकर कहते, अपने जवानों को कहते, ओए लिखतर ला लो, बूट ला लो, ते आशकाने फतूर दी कर, तबीयत साफ दो, तो यकीन करें मोहब्बत फिर लौट आती 1965 की फौज की तरह। इसका जन साहब मेहरबानी फरमा के इसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर करवाइए कि अगर वहां कर्नल साहब गुजरे थे तो वहां जो फौजी जवान थे उन्होंने वहां खड़े होके कुछ ना करते, ना गोलाबारी करते, ना आंसू गैस चलाते, कुछ ना करते, एक लम्हे खड़े होके माइक पे उन्होंने अनाउंस करना था, ओए बंदे दे पुत्र बंदे दे, या असी एपटाबाद वाला प्लान शुरू कर दिए, शुमाली वजीरस्तान वाला प्लान शुरू कर दें, सब गीतरों ने बिलों में भाग जाना था, ठुड्डे मारते उन्हें पता चल जाता। इस पे जरा आई रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सर इस इंसिडेंट को आप जरूर देखें कि वहां से कर्नल साहब को निकाला, लेकिन जिनके आप कर्नल हैं, जिनके आप सिपा सलार हैं, वो वहां लुट रहे थे, उनके खून से जिसम रिजा रिजा किए जा रहे थे, उनकी इमलाक जलाई जा रही थी। मुझे इंतहाई अफसोस है, हमारे मुल्क का बड़ा नुकसान हो गया। हम पहले ही इस आसरे में हैं कि हमें इस वक्त कोई रेस्क्यू करे मुल्क, और हमने ये दो दिन के धरने ने, दो दिन में बदमाशों ने जुल्म कर दिया। अब एक सिर्फ आखिरी बात बता दें, तमाम उलमा, कोई भी हादसा हो जाए, कोई तौबा नौज बिला, किसी ने गुस्ताखी कर दी, तौबा नौज बिला, उसका फैसला कहां होना है? क्या इंसानों को जिंदा जला देंगे? या कोई आप अपनी अदालत लगा लें, आप अगर अदलिया के फैसलों को आपने जो नहीं मानना तो कोई और तो सिलसिला करें। फैसला क्या जिंदा जलाने को होगा कि एक माइक पे अनाउंस कर दिया जाए कि फलां जज ने कल, आज तो हो गया इस आसिया मलून का, कल आप कहेंगे जी कि एक जज साहब ने हमारे खिलाफ फैसला दिया है, एक मस्जिद का स्पीकर बंद करा दिया है, आओ सब अदालतें बंद दीजिए। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे पाकिस्तान इसके लिए नहीं बनाया था। लिहाजा कप्तान साहब, तमाम हमारी काबिले एहतराम एजेंसी और खसूसन मीडिया अपना पॉजिटिव रोल के, और सलूट एंड लव टू ऑल दोज जिन्होंने ये क्लिप्स शेयर किए, जिन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी जान जोखों में डाल के ये फुटेज ली और हुकूमत को दी, अपलोड की। इससे तो फायदा उठाना चाहिए ना कि आप लोगों को डराएं। आपको बहुत बड़ा फीडबैक मिल गया क्योंकि आपके कैमरों ने और आपकी मशीनरी बिल्कुल ठप थी, ठप एंड ठुस थी। पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत बातें हो गई, बहुत दुखी हैं, बहुत हर्ट हैं। आज मेट्रो चल रही है, आज निजाम चल पड़ा है, लेकिन ये रोज रोज नहीं चलेगा। हमारा कोई हाल नहीं होगा। हमारी दो दिन की स्ट्राइक में पेट्रोल का खत्म, बंद, आटा बंद, गैस बंद, रास्ते बंद, यूनिवर्सिटियां बंद, कॉलेज बंद, मुल्क की सांसें बंद, तो क्यों ना आपकी सांसें बंद कर दी जाएं। कप्तान साहब और तमाम फोर्सेस, तमाम एजेंसियां, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। इन्हें कहिए हमारे घर जला दें, हम बाहर निकल आएंगे। हम बाहर निकले, हमारी फैमिलीज बाहर निकली बेचारी,
मैं खुद बायर था, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, मैंने लाइव प्रोग्राम किया है मॉल टाउन लिंक रोड के कॉर्नर पे खड़े होकर जब ये गुंडे जा रहे थे और ये नारे लगाते हुए जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मॉडल टाउन लिंक रोड से जब ये गुजरे हैं तो मैं वहां खड़े होकर लाइव कर रहा था और इनको मैंने कहा कि आओ हम सरदारुल अंबिया के हम गुलाम हैं और तुम सिर्फ फ्रॉडी हो, तुम बदमाश हो, तुमने मुल्क का बुरा हाल कर दिया है और इंशाल्लाह इनका बुरा हाल होगा। अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान यकूब जावेद कमियाना को इजाजत दीजिए। बिल्कुल वाजे लिखा हुआ है नक्शे के ऊपर, हु लिव्स इफ पाकिस्तान डज नॉट लिव, हमारे मुंह में खाक। ये सलामत रहेगा, ये सलामत रहेगा। बहुत सारा ख्याल रखिए, अपना नहीं, अपना तो सब रखते हैं यार, पाकिस्तान का ख्याल रखिए। और इन आशकाने फतूर जो हैं इनको अब छित्रौल होनी चाहिए और छित्रौल होगी तो ये मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा। कप्तान साहब चुप के रखो कम, शाहरुख अफरीदी साहब उड़ा के रख दो। और एक बात आखिरी, अपोजिशन ने बहुत हमल और फुटबारी का मुजाहरा किया है, बड़े वकार के साथ अपोजिशन आपके साथ चल रही है, उसको रिस्पेक्ट दीजिए और आइए मिलके तमाम पाकिस्तान को बनाएं पाकमाल। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।